हाई कोर्ट की बिग अपडेट, नत्या भर्ती की इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई हुई समाप्त, संपूर्ण सार जानेंगे, न्याय कब तक मिलेगा इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। सो गाइस बता दूं, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जियो को लेकर आज एक डेट लगी हुई थी जिसकी सुनवाई होनी थी, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 मंथ के बाद में रोस्टर प्रणाली चेंज हो जाती है, तो रोस्टर प्रणाली चेंज होने की वजह से आज जो है हॉनरेबल जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में केस लगा था, और वहाँ पर सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को सचिव को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने 1 या 2 मिनट की सुनवाई हुई थी सिंपली, और जब बात आई 6800 की जियो को लेकर विज्ञप्ति जमा करनी थी आज, जो कि 6800 का जो जियो जारी किया था सरकार की तरफ से, जो उसकी विज्ञप्ति और जियो कहाँ है वो जमा करने की बात कही थी कोर्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और जज साहब ने नेक्स्ट डेट 3 अगस्त दे दी, और उन्होंने कह दिया सिंपली सिंपल शब्दों में कि हम इस केस की स्टडी करेंगे, उसके बाद में आप लोगों का जो मैटर है वो सुना जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं निकल कर आ पाई है, और अब जो इसकी जो सुनवाई होगी इलाहाबाद बेंच में तो वो 3 अगस्त को हो पाएगी, लेकिन जो 12 जुलाई को जो डेट लगी हुई है लखनऊ इलाहाबाद बेंच में, तो वो बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा एक इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने की कगार पर है, और यहाँ पर सभी टीमों ने, चाहे 6800 की टीम हो, चयनित अभ्यर्थियों की, चाहे अचयनितों की हो, भास्कर यादव की, चाहे शिवसागर जी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक नया वकील लाने के लिए, तो यहाँ पर जो 12 जुलाई की डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर कुछ फाइनल डिसीजन भी आ सकता है, और लगातार बहस चली रही है, तो 12 जुलाई बहुत ही निर्णायक हो सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा के अधिकारी और सचिव शिक्षा मंत्री जी भी पूरी फोकस कर रहे हैं कि केस निस्तारित हो और कहीं ना कहीं 6800 को जो नियुक्ति देने का रास्ता है वो निकल ले। अब देखना है ये कब तक पॉसिबल हो पाता है, और 12 जुलाई की हाई कोर्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि अप टू डेट आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।